नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। BSTC 2019 और PTT PSST प्री शिक्षा शास्त्री 2019 रीड सीटेड संस्कृत सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है समाज से संबंधित। जो समाज टॉपिक होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या होती है समाज की परिभाषा, इस वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं कि समाज को किस तरह आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरा वीडियो देखें। और हम तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पास आपके पास पहुँचे। और पसंद आ जाए तो वीडियो कर देना लाइक। देखिए दोस्तों, समास की परिभाषा। समसनम समास है, यानी समसनम समास अर्थात संक्षेप को ही समास कहते हैं, यानी छोटे रूप को ही समास कहते हैं। अर्थात बहुत से पदों को मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ रहना, यानी एक मिलजुल कर जो बहुत सारे जो बड़े बड़े पद होते हैं उन सबको मिलाकर एक पद बनाना क्या कहलाता है, समास। समास की व्युत्पत्ति, यानी सम उपसर्ग प्लस अस धातु प्लस घे प्रत्यय से मिलकर समास शब्द बनता है। और इसका सामने अर्थ होता है संक्षेप कथन। यथा रामस्य पुत्र है तो आप इसका समासी करोगे तो राम पुत्र है, रामस्य पुत्र का राम पुत्र है, यानी रामस्य पद की विभक्ति उड़ाकर सामासिक पद क्या बन गया, राम पुत्र है। समास और विग्रह, समास होने पर जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यानी समास होने पर जैसे हम कोई बनाते हैं शब्द, जैसे रामस्य पुत्र है तो राम पुत्र बन गया, वो क्या हो गया, सामासिक पद। और समास के अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह या विग्रह वाक्य कहते हैं। यानी जो भी समास का अर्थ बताता है उसको हम विग्रह या विग्रह वाक्य कहते हैं। किसी समस्त पद के विभिन्न पदों को अलग अलग करना, उससे सर्च प्रेस करना विग्रह या व्यास कहलाता है। जैसे राज्ञ पुरुष है तो उसके वगैरह क्या होगा, राज्ञ पुरुष, और राजपुरुष क्या होगा, समस्त पद। विग्रह के दो भेद होते हैं, एक तो लौकिक, जो लौकिक विग्रह जैसे जन साधारण राज्ञ पुरुष है, और एक अलौकिक, जैसे राज्ञ पुरुष का होगा राजन गस पुरुष सु, अलौकिक विग्रह होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं समास के भेदों की तरफ। समास के चार भेद मानेंगे, अव्यय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ये किसके अनुसार है, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, संख्या पूर्वक होने के कारण तत्पुरुष द्विगु भी कहलाता है। यानी ये दोनों भेद किसके हैं, ये दोनों भेद तत्पुरुष के, और दोनों में स्थूल भेदों कारण छह प्रकार में, और लघु सिद्धांत कौमुदी इनको पांच भेद मानती है और सिद्धांत कौमुदी चार भेद मानती है। ध्यान रखें, अव्यय भाव समास में समास का प्रथम पद सदैव प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में प्राय दोनों पद, बहुव्रीहि में दोनों नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, और कर्मधारय के अंदर आपको विषय विशेषण मिलेगा, और इसके द्विगु के अंदर आपको संख्यावाची पद मिलेंगे। यहाँ पहले लघु सिद्धांत का मीन्स करना, हम सबसे पहले जो है केवल समास जो है वो कल का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको समास के सारे अलग अलग समास जो है किस प्रकार होते हैं उन सब का वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और पसंद आ जाए वीडियो तो वीडियो कर देना लाइक, हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।